हिस्ट्री में कई ऐसी खूबसूरत दीवाएं हैं जो यकीनन ही हर किसी का दिल जीत लेती हैं। ये दीवाएं अक्सर ही अपनी खूबसूरती के चर्चे आज भी बटोरती हैं और हम यहाँ पर जिस खूबसूरत अदाकारा का जिक्र कर रहे हैं वो सदाबहार रेखा है। जी हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा रेखा यकीनन ही आज अपने अकेलेपन को हैंडल कर रही हैं। आज जो है उम्र 64 साल है, मगर आज भी वो उस एक तलाश में है जो कहीं ना कहीं उनके अकेलेपन को दूर करे। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नैंसी। जिस तरीके से हम यहां पर रेखा का जिक्र कर रहे हैं, रेखा इस इंडस्ट्री की खूबसूरत दीवा है। रेखा का दीवाना हर एक शख्स है, चाहे वो अपनी उम्र के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो। जितनी खूबसूरती उनके चेहरे से झलकती है, जितनी खूबसूरती उनके काम से झलकती आई है, उतनी ही दर्द भरी है उनकी ज़िंदगी। मगर क्या आप ये जानते हैं कि जो रेखा आज अकेली है, ना तो रेखा के पास कोई बच्चा है, ना ही रेखा के पास उनका कोई हमसफर है। मगर एक वक्त ऐसा था जब रेखा ने बच्चों को लेकर स्टेटमेंट दिया था, यानी कि 12 बच्चों की माँ बनना चाहती थी रेखा, यकीनन ही। यहाँ पर आप इस स्टेटमेंट को जानने के बाद हैरान हो जाएंगे। हम इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे किस तरीके से रेखा का जब ये स्टेटमेंट सामने आया था तब हर एक शख्स हैरान रह गया। हालांकि रेखा ने किसी बच्चे को ना तो कभी अडॉप्ट किया और ना ही जो है कभी उन्हें उनके हमसफर से ये सुख मिल पाया, मगर ऐसे में कहीं ना कहीं रेखा आज भी, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था कि उन्होंने अपने अकेलेपन से ही दोस्ती कर ली है और वो अपने घर पे अपने अकेलेपन के साथ रहती है। अब देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट, आखिरकार कौन है वो 12 बच्चे जिनका रेखा ने जिक्र किया था, और रेखा जो है क्या वो माँ है? भले ही उन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट ना किया हो, मगर एक कहते हैं ना, एक औरत के जो मन में होती है वो माँ की जो फीलिंग है वो हर एक औरत महसूस कर सकती है। क्या है पूरी खबर, आप देखिए हमारे ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा रेखा जो आज भी अकेलेपन से अपनी दोस्ती कर बैठी है, मगर एक वक्त ऐसा भी रहा जब रेखा ने बच्चों को लेकर अपनी ख्वाहिश बताई थी। जी हाँ, रेखा माँ है और उनके बच्चे भी हैं, हम तो यहाँ पर यही कहेंगे। दरअसल रेखा बीते साल डांस रियलिटी शो दिल है हिंदुस्तानी 2 में देखी गई थी। लंबे वक्त के बाद रेखा को देखा गया, मगर यहाँ पर रेखा ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तमाम बातों का जिक्र किया, क्योंकि यहाँ पर एक रियलिटी शो के दौरान 12 बच्चों ने यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट किया था और 12 बच्चों को रेखा ने अपना बता दिया। दरअसल अगर रेखा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो रेखा विनोद मेहरा के साथ भी रही, मुकेश अग्रवाल के साथ भी, नवीन के साथ भी, किरण कुमार के साथ भी, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार सहित तमाम अभिनेता जो है इनकी जिंदगी का हिस्सा रहे। हालांकि किसी से भी रेखा के लंबे टाइम तक रिश्ते नहीं रहे। उम्र रेखा की 64 है और आज रेखा ने अकेलेपन से दोस्ती कर ली है। कोई भी बच्चा रेखा का है ही नहीं, मगर एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने बच्चों को लेकर अपनी ख्वाहिश को जाहिर किया था, जहां पर यकीनन इस ख्वाहिश को आप जानने के बाद हैरान हो जाएंगे। दरअसल 1984 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने साफ तौर पर कहा कि वो बहुत सारे बच्चे चाहती हैं, लेकिन उनका शादीशुदा जीवन ज्यादा लंबे ना चलने की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाता। रेखा ने कहा, मेरी फैंटेसी है कि मेरे बहुत सारे बच्चे हों, सिर्फ मैं अपनी इस फैंटेसी तक ही सीमित नहीं रखना चाहती हूँ। मेरी माँ भी यही चाहती थी कि 30 की उम्र तक मेरे बच्चे हो जाएं। माँ सही कहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बच्चे और मेरे बीच में ज्यादा बड़ा अंतर हो। रेखा ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं अपने घर में प्राइवेसी इंजॉय करती हूँ, लेकिन घर का जो खालीपन है उसे चाहती हूँ कि वो मेरे बच्चे पूरा करे। जरा सोचिए, बच्चे सीढ़ियों पर चढ़ रहे हों, या मैं नहीं चाहती कि वो मेरे एक या दो बच्चे हों, मुझे यहाँ कम से कम 12 बच्चे चाहिए। मुझे दुख है कि मेरी शादी ज्यादा लंबे तक नहीं टिक पाई, जिस कारण से मेरे बच्चे नहीं हो पाए, और मैं अपनी फैंटेसी के साथ आज भी इसी बात की कामना करती हूँ
कि अगले जन्म में मुझे ढेर सारे बच्चे हों। और यकीनन ही जितनी खूबसूरत अदाकारा ये हैं, उतनी ही इनकी जिंदगी जो है काफी ही ज्यादा संघर्षपूर्ण तो रही ही, मगर कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि रेखा जो है अपने अकेलेपन से अब दोस्ती कर बैठी है। रेखा ने अपने अकेलेपन से ही नाता जोड़ लिया है और ये जो उनकी फैंटेसी रही बच्चों की, तभी रेखा को जब भी बच्चों से मुलाकात करते देखा जाता है वो एकदम माँ की तरह उन्हें प्यार करती है, क्योंकि ये फैंटेसी उनकी अधूरी रह गई।